हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएस नॉलेज में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 एमएससी बीएससी एलएलबी बीबीए बीसीए और अंतर के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आउट हो गया है, तो आपको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, उसके बाद TCSU टाइप करेंगे। TCSU टाइप करने के बाद ये इधर इस तरीके से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, तो आप ऊपर में जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके से पेज देखिए ओपन हो गया। अब हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे जाइए, सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट पे जाइए। रिजल्ट पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको और सेमेस्टर इवन सेमेस्टर करके क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका रिजल्ट देखिए आउट हो चुका है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रिजल्ट। एमएससी केमिस्ट्री बॉटनी स्टैटिक्स एमकॉम बीसीए बीबीए एमए, तो इस तरीके से आपके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। एमए ढेर सारी ब्रांचेज हैं एमए, तो इस तरीके से आपने देख लिया इसको एमएससी बीएससी। अब हम आपको लेके चलेंगे कि रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। आपको रिजल्ट यदि आप नहीं चेक पा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है रेगुलर प्राइवेट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्स रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें रिजल्ट के लिए आपको रोल नंबर आपको भरने पड़ेंगे। क्लिक किया, प्लीज फिल योर 10 डिजिट रोल नंबर विदाउट अलॉटेड अल्फ़ाबेट्स, कोई अल्फ़ाबेट्स इसमें तो है नहीं रोल नंबर में, तो आपको उसको फिल करना है। नीचे जाएंगे हम इसको डाउन करते हुए, इसमें देख रखा है इस तरीके से, प्लीज़ फिल योर ग्रुप कोड प्लस रोल नंबर इन एमएससी रेगल फर्स्ट ईयर रोल नंबर ओनली। तो इस तरीके से कोर्सेज हमको दे रखे हैं, आपको कोर्सेज कौन कौन जो आपकी कोर्सेज हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, पेपर का है कि किसका है, प्राइवेट का है, जिस ब्रांच का कोर्सेज का है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ईयर सेमेस्टर करना है, कौन सा सेमेस्टर कौन सा ईयर है, इस तरीके से है। इसको सेलेक्ट करने के बाद रोल नंबर आपको या एनरोलमेंट नंबर आपको इस तरीके से इंटर करना है इसमें, फिर कैप्चा कोड इंटर करना है नीचे आपको जिस, तो इस तरीके से रहा। यदि वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।